जामवन जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी दूर से देखे कि रावण का भाई विभीषण आ रहा है। दौड़कर भगवान राम के पास आए, प्रभु प्रभु रावण का दुश्मन का भाई आ रहा है, आप कहो तो हम रास्ते में ही उड़ा दे, खत्म कर दे, ये तो मारने की फेर में थे। भगवान ने कहा नहीं, उसे आने तो दीजिए, एटलीस्ट उनका मूड क्या है, उनका भाव क्या है तो देखे। विभीषण जी आए और आकर भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किए। वर्णन है कि जैसे ही विभीषण ने प्रणाम किया तो राम के मुख से निकल गया, लंकेश लंकेश आपका स्वागत करते हैं। और भक्तों, राम के मुख से लंकेश निकलने का अर्थ, लंकेश माने लंका का ईश, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, मानो राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, विभीषण आज से तुम लंका के राजा बन गए। सुग्रीव जी ने कहा बड़े उतावले हो प्रभु आप, अभी तो रावण के साथ युद्ध भी नहीं हुआ, आपने रावण को हराया नहीं, लंका को जीता नहीं, और इतने एडवांस में आप इसको विभीषण को लंका का राजा बना दिया। मान लो प्रभु रावण के साथ युद्ध करते हम हार गए तो आप क्या करोगे? राम ने कहा सुग्रीव ये रघुकुल है और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना, और कलयुग रीत सदा चली आई, वचन जाए प्राण ना जाए। वचन भले चले, डोनेशन जो प्लेज किए हैं वो भले चला जाए, प्राण नहीं जाना चाहिए। सुग्रीव तुम चिंता मत करो, रघुकुल है और निश्चित ही मैं रावण को हरा कर विभीषण को लंका का राजा बनाऊंगा, और यदि मैं रावण से हार गया और इस विभीषण को लंका नहीं दे पाया तो मैं मेरी अयोध्या का राजा बना दूंगा, राजा अवश्य बनाऊंगा। मुझे आपसे इतना ही कहना है भक्तों कि आगे चलकर राम ने रावण का वध कर दिया, लंका लेकर विभीषण को सौंप दिया, ठीक है। जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने पापड़ बेले थे, ऐसा वर्णन है कि रावण बहुत बड़ा यज्ञ करने लगा और यज्ञ करते करते अपने मस्तक की आहुति देने लगा। रावण के कितने मस्तक थे? अच्छा कितने थे, मतलब आप लोगों ने देखे बेटा? 10 थे है? तो वो सोता कैसे होगा? मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझे बड़ी दया आती है। चलो सीधा सोने में तो ठीक है, करवट तो बदलनी पड़ती होगी। रावण को जब करवट बदलनी पड़ती होगी तो मतलब लगता है जैसे पुराने जमाने में एंटीना नहीं आते थे, बारिश में एंटीना गिर जाए, लगभग ऐसा रावण लगता होगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, जब रावण के सर में दर्द होता होगा तो मतलब ऐसा होता होगा कि रावण ने नंबर ही रख दिया होगा कि ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, मंदोदरी आज 5वें नंबर का दुख रहा है। आज 5वें नंबर के मस्तक में तेल डाल के मसाज कर दो, आज तीसरे नंबर। खैर जो भी है, इतिहास में लिखा है रावण के 10 मस्तक थे और शिवजी के लिए, ब्रह्मा के लिए रावण यज्ञ कर रहा था और यज्ञ करते करते अपने मस्तक यज्ञ कुंड में डालने लगा, 10 मस्तक हवन कुंड में डाले, तब जाकर रावण को सोने की लंका प्राप्त हुई। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जो सोने की लंका 10-10 मस्तक चढ़ाकर रावण को मिली थी, वही लंका विभीषण को राम के चरणों में एक बार प्रणाम करने से प्राप्त हो गई। और इसीलिए करभाजन ऋषि ने कहा ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद, महापुरुष के चरणों में वंदन करने की ये महिमा है कि अभीष्ट दोहम, हमारे सारे मन की इच्छा को वो पूर्ण कर देते हैं। भक्तों ये तो हुई भौतिक इच्छा, और भौतिक इच्छा को पूर्ण करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक आचार्य ने बहुत सुंदर अपनी टीका में लिखा कि भाई भगवान अभीष्ट दोहम का अर्थ क्या है, माने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो भौतिक इच्छा पूर्ण करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तु मिल जाए तो यहीं पर फंसे रहेंगे, यहीं पर पड़े रहेंगे। भगवान अपने भक्तों की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छा पूर्ण करते हैं। भौतिक इच्छा तो हम समझ सकते हैं, सुख सुविधा, जीवन चलाने के लिए,
लेकिन जीव की वास्तविक इच्छा अर्थात आत्मा की इच्छा क्या है। शरीर की इच्छा तो हम जानते हैं कि भाई इसको अच्छा टेस्ट चाहिए, कान को अच्छा गाना चाहिए, जीवा को टेस्ट चाहिए, है ना। लेकिन आत्मा की इच्छा क्या है? अभीष्ट दोहम, भगवान अपने भक्त के आत्मा की इच्छा को पूर्ण करते हैं और आत्मा की एकमात्र इच्छा है और वो है प्रेम। आत्मा की एक ही इच्छा है, वो है प्रेम। जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा जो है ना प्रेम खोजती है। लेकिन बिचारी कभी कभी वो प्रेम अपनी माँ में खोजती है, कभी पिता में खोजती है, कभी धन में खोजती है, कभी ऑफिस में, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, कभी गाड़ियों में, कभी मोबाइल में, दुनिया की हरेक वस्तु में आत्मा प्रेम खोज रही है। लेकिन वो प्रेम एक और एक मात्र महापुरुष यानी कि भगवान कृष्ण में है, भगवान राम में है या श्री चैतन्य महाप्रभु में है। तो प्रेम भगवान एक ऐसे पात्र हैं जो जीव जो आत्मा की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। आत्मा की इच्छा है प्रेम। इस दुनिया में भक्तों प्रेम करने लायक यदि कोई है तो वो है महापुरुष।